हेलो, मैं हूँ डॉक्टर चर्चिल। और मैं हूँ डॉक्टर प्रियंका। और हम लोग आए हैं मैजिकल मेघालय, हमारी छोटी हीरा के साथ। हम लोग अभी भाग भाग कर जा रहे हैं क्योंकि हमारी फ्लाइट ऑलमोस्ट मिस होने वाली थी। कोलकाता टू शिलोंग के लिए ये एक छोटू सा एरोप्लेन है। एरोप्लेन क्लाउड में से जा रहा था एंड मेघालय वेलकम अस विद द व्यू ऑफ लॉट्स ऑफ ब्यूटीफुल रिवर एंड माउंटेन। हम लोग शिलोंग पहुंच ही रहे थे तभी हमें पता चला कि असम बॉर्डर पुलिस एंड मेघालय के कुछ लोकल लोगों में एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंस हो गया है एंड शिलोंग बंद डिक्लेयर हो गया। सो वी रीशेड्यूल्ड आवर ट्रिप एंड वी लेफ्ट फॉर चेरापुंजी। ये हम लोग आए अभी अपर शिलोंग में, हम लोग जा रहे हैं शिलोंग से चेरापुंजी। तो यहाँ पे हमें रास्ते में ये टी फार्म दिख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। बहुत सुंदर है, आप देख सकते हो ये ऑर्गेनिक टी फार्म है। अब देखो यहाँ पूरे चारों साइड पे, यू विल गेट टू सी दिस साइड आल्सो, जहाँ तक नज़र जा रही है टी फार्म्स है। शिलोंग से चेरापुंजी जाने में रास्ते में यहाँ पे है एलिफेंटा फॉल्स, तो हम लोग एलिफेंटा फॉल्स आए हुए हैं। और यहाँ ये रास्ते में हम लोग जा रहे, अभी पहुँचे नहीं एलिफेंटा फॉल्स, पर इतना सुंदर आवाज़ आ रहा है फॉल्स का, आप शायद सुन पाओगे तो पता नहीं। ये तो फर्स्ट फॉल था, यहाँ से अभी नीचे ऐसे स्टेप्स जाती है और सेकंड और थर्ड फॉल है। इस पिक्चर परफेक्ट साइट पर कुछ फोटोज हमने निकाले। रोड अहेड वॉज वेरी सीनिक एंड विथ लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ज़िगज़ैग टर्न। हम लोग जा रहे हैं अभी मॉसोडांग ब्रिज पॉइंट के यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा स्टीप स्टेप है, वहां से एकदम वैली का बहुत सुंदर व्यू दिखता है। जब तक हम इस वैली को देखते हैं तब तक आप इसके ड्रोन से लिए हुए कुछ शॉट्स देखो। अभी आगे था एक बहुत ही ब्यूटीफुल वाटरफॉल। यहां से वेइसोडोंग वाटरफॉल जाने का रास्ता है, चलो मेरे साथ। ये रास्ता देखो कितना घने जंगलों के अंदर से जा रहे है। वेइसोडोंग वाटरफॉल इज डिफिकल्ट टू एसेस एंड ट्रेक टू द वाटरफॉल इज चैलेंजिंग। ये देखो लकड़ी का पुल है रास्ते में। ये देखो वेइसोडोंग वाटरफॉल। आई गॉट अ रिस्क्यू।
अभी से चर्चिल को स्टिक से काटी की जरूरत पड़ रही है, भी दिसत नाही ते चर्चिल। वेईसोडोंग वॉटरफॉल देखो कितना स्केरी है, ये देखो कैसे है डेंजरस जगह से जा रहे, बाप रे। हम आए एट लास्ट अभी वेईसोडोंग वॉटरफॉल पे, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग गन है मेरी, पूरा ऊपर तक डिजिटल ट्रैक करके आई है। Yeah. एक भी बच्चा नहीं है यहाँ पे, but and everyone is saying आप इसको कैसे लेके आए यहाँ पे, but प्रयोग करे। Thanks to God. सच है, ऊपर वाले ने क्या क्या मैजिकल चीजें बना के रखी है। ये वही वाटरफॉल है देखो, जो हमने नीचे से अभी देखा था। वेईसोडोंग से चेरापुंजी जाने वाले रास्ते में एक ऑरेंज रूट रिसोर्ट लगता है, जो एक वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। यहाँ का फूड बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हो। यहाँ पर मेनली थाली सिस्टम चलता है, और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे साउथ इंडियन फूड भी मिलता है। और ये देखो, ये है रेस्टोरेंट। इस रेस्टोरेंट की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पे सब लड़कियाँ इसको चलाती है। ये है इनका किचन देखो। सूरज डूब रहा था तो हमारा आज का आखिरी स्टॉप था सनसेट पॉइंट। लोग आए हैं नोकलिका फॉल्स, ये यहाँ का सबसे अच्छा फॉल्स है चेरापुंजी का। और इसकी अच्छी बात ये है कि यहाँ बिल्कुल चढ़ाई नहीं है, उतरना नहीं है, नो ट्रेकिंग, बहुत अच्छा इजीली यहाँ तक कार आ जाती है। यहाँ से थोड़ा सा चल के आया मैं और दिख जाता है। गेस व्हाट इज दिस? What is this? Guess? No? It's a dalchini and I just got it from wholesaler. मैंने देखा वो तोड़ के कुछ ला रहे जंगल से, तो what is it देखा तो दालचीनी, इतना अच्छा स्मेल आ रहा है इसका। कितने में मिला तुमको? ये सीक्रेट है। Hardly 10-15 सेकंड के अंदर पूरा सनसेट हो गया इधर। और what's the time? See the time? It's 4:25. तो प्रियंका, इरा और इस दालचीनी को लेके मैं होटल जाता हूँ। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि कल हम देखेंगे मौसमाई केव, एक झूलने वाला पूल और डबल डेकर ब्रिज, और क्यों प्रियंका को स्ट्रेचर से हमको वापस लेके आना पड़ा। बाय बाय।